नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुल्ताई में कलेक्टर एसपी ने स्ट्रांग रूम और संवेदनशील पोलिंग बूथ का किया निरीक्षण। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई में लोकसभा चुनाव को तैयारियों का जायजा लेने रविवार दोपहर में बैतूल जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया मुल्ताई पहुंचे। यहां उन्होंने संवेदनशील पोलिंग बूथ, स्ट्रांग रूम और एसएसटी चेक पोस्ट का संयुक्त निरीक्षण किया। कलेक्टर ने चुनाव सामग्री वितरण के लिए विधिवत बैरिकेडिंग कर बेहतर व्यवस्था बनाने हेतु निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने स्ट्रांग रूम के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे देखे और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा, साथ ही समय समय पर रिकॉर्डिंग भी चेक करने के निर्देश दिए। संवेदनशील पोलिंग बूथ पर पर्याप्त सुरक्षा के होंगे इंतजाम। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने नगर के अंबेडकर वार्ड के संवेदनशील पोलिंग बूथ का भी निरीक्षण किया, जहां की व्यवस्था देखकर वे संतुष्ट हुए। उन्होंने चुनाव के लिए उक्त पोलिंग बूथ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए और नागपुर रोड पर स्थित खंबारा पर बने एसएसटी चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया। यहां से गुजरने वाले सभी वाहनों को जांच करने के लिए कहा। इस दौरान उनके साथ एसडीओपी सुरेश पाल सिंह, मुल्ताई तहसीलदार अनामिका सिंह, प्रभात पट्टन तहसीलदार डॉली रखवार, नायब तहसीलदार भगवान दास कुमरे, राजेश दुबे, सीएमओ राजकुमार ईबनाती, एसआई अमित पवार आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संवाददाता युवराज पोटफोड़े की रिपोर्ट।